हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम आपको त्रुटि क्या होती है ना, त्रुटियों के क्या प्रकार होते हैं सब डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हमने उसमें एक पढ़ा था रैंडम एरर मतलब यादृच्छिक त्रुटि पढ़े थे ना। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम ही हैं या फिर आप ही हैं, तो करते हैं क्या कि किसी एक ही पाठ्यांक को बार बार लेते हैं ना। मान लीजिए कि किसी कपड़े को मापना है, उस कपड़े को आप माप रहे हैं तो एक बारी माप रहे हैं, तो मान लीजिए 5 मीटर कपड़ा है, तो एक बारी आ गया, हमको नहीं पता कितना मीटर है, बस 1 मीटर कपड़ा है। अब पहली बार मापे हम तो कितना आया, 5 मीटर आया। दूसरी बार मापे तो कितना आ गया, 5.2 आ गया। तीसरी बार मापे तो कितना आ गया, 5.4 आ गया। और चौथी बार मापे तो कितना आ गया, 4.99 आया। ठीक, और छठी बार मापे तो कितना आ गया, 4.5 आ गया। तो एक ही पाठ्यांक को बार बार लेने पे ऐसी त्रुटियां होती हैं ना, तो क्या बोलेंगे कि एक आता है वास्तविक मान ना। तो हम पे इस पे बेस आपको क्वेश्चन कराना है। ठीक, समझते हैं। देखिए, ऐसे हम बोल दिए क्या, एक होता है टर्म वास्तविक मान, वास्तविक मान। ठीक, अच्छा, इसको बस समझने के लिए हम ऐसा डिफिनेशन बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक्चुअल डिफिनेशन जब किताबी भाषा लिखेंगे तो आपको कुछ कम समझ आएगा, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं ना। देखिए क्या लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ना, यदि कोई कोई व्यक्ति एक ही, यदि कोई व्यक्ति एक ही लंबाई को, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन ना, एक ही लंबाई या फिर राशि लिख देते हैं, एक ही राशि को, राशि में सब आ गए ना, जब कोई यदि कोई व्यक्ति एक ही राशि को बार बार मापित करता है, मापित करता है, मापित करता है, तो उसके हर एक माप में, हर एक माप में त्रुटि आती है ना बच्चों, हर एक माप में क्या आती है, त्रुटि आती है। ठीक, मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक ही राशि को बार बार माप करता है, उसके बार बार मापित करता है, तो उसमें हर एक माप में थोड़ी 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 त्रुटि आती रहती है ना बच्चों। इतनी बात समझ आई, तो यहाँ से आगे लिखना, तब जो त्रुटिगत माप है ना, त्रुटिगत माप क्या बोलेंगे, तब त्रुटिगत माप, त्रुटिगत माप, मापो लिख देना, त्रुटिगत मापो का माध्य जो होता है, माध्य तो पढ़े होंगे आप, त्रुटिगत मापों का माध्य वास्तविक मान कहलाता है बच्चों। कौन सा मान कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है, समझे बच्चों, क्या है, ट्रू वैल्यू ना, ट्रू वैल्यू। ठीक, जैसे मान लो कि तुमने एक ही चीज को मापा, तो माप कितने आए, मान लीजिए A1 आ गया ना, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया ना, एक ही चीज को बार बार माप रहे हो, A3 आ गया, A4 आ गया, A5 आ गया, अप टू सो ऑन, एन बार मापे बच्चों ना, एन बार मापे, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा बताओ, माध्य हो जाएगा इसका A लिखना है, A माध्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2, पेन बदलते हैं, देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस An बटा के कितना बच्चों, N ना। जैसे हम लोग औसत मान निकालते थे बचपन में ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको डाटा मिल गया 5, 6, 7, 8, कौन सा मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7, 8 मिल गया, 8 मिल गया, तो बोल देगा कोई कि इसका माध्य बताइए, तो क्या करते थे, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को आपस में जोड़ देते थे, ये कितना है, 5 1 है ना, 6 2 है, 7 3 है, 8 4 है, 4 अंक है, तो 4 अंक नीचे जितना होता था 4 का डिवाइड कर देते थे,
और उन चारों को जोड़ देते थे और चार का डिवाइड कर देते थे, ऐसे निकाल देते। ऐसे क्या बच्चों, यहाँ पे एन ऑब्जर्वेशंस है, मतलब एन बार मापे हैं, एन बार में माप अलग अलग आया, तो इसी का माध्य कितना जगह, एन बार का माप धन एन, धन मापों का धन कर देंगे फिर एन का डिवाइड कर देंगे, तो यही तुम्हारा हो गया क्या, ए माध्य। ये ए माध्य क्या कहलाएगा बच्चों, तुम्हारा ट्रू वैल्यू वास्तविक मान कहलाएगा ना। क्या लिखे हैं, यदि कोई व्यक्ति एक ही राशि को बार बार मापित करता है तो उसके एक माप में त्रुटि आ जाती है, उसके हर एक माप में कुछ न कुछ त्रुटि आ जाती है, तब त्रुटिगत मापों का माध्य वास्तविक मान कहलाता है ना बच्चों। समझे ना, ट्रू वैल्यू क्या होती है ना, कहीं लिख लेना, देखो ए एम ना, अच्छा ए एम को ए बार से भी दिखाते हैं ना, ठीक, यही तुम्हारा क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद हम दो चीज़ को और बात करेंगे, निरपेक्ष मान या फिर परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या फिर परम त्रुटि, ठीक, और माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि ना, इससे बात करेंगे। ये तो वास्तविक मान था, अब थोड़ी सी त्रुटि बात करते हैं, त्रुटि कैसे निकालेंगे, देखो इसको मिटाते हैं ना, नोट कर लेना, और नोट नहीं कर रहे हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ उसको एकदम ध्यान समझना बच्चों ना, तभी आपको न्यूमेरल वैल्यू तुम अच्छे से लगा लेंगे, कोई परेशानी ही नहीं होगी, देखते ही कहेंगे ओ तुमसे हो जाएगा। और देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके लिए इस टाइम के लिए ज़्यादा काम नहीं आएगा, एग्ज़ाम के तौर पे भी काम नहीं आएगा, ये काम कब आएगा, जब आगे पढ़ेंगे आप ना, तब आपको सेटिस्फाई होगा कि ओ मैं अल्फा इंस्टीट्यूट को देख के बहुत अच्छा किया। हाँ बहुत सारे लोग पढ़ाते नहीं हैं इसे इतना अच्छे से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, देखना। अब क्या बच्चों बोलेंगे हम, क्या परम त्रुटि, परम त्रुटि, या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं ना बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं ना। अब ध्यान देना ये क्या होता है, समझो जो हमारा वास्तविक मान आया है, वास्तविक मान में से त्रुटिगत मान को घटाना, क्या घटाने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, परम त्रुटि बोलते हैं ना। समझो देखो कैसे, क्या लिख देंगे कि वास्तविक मान में से, वास्तविक मान तथा त्रुटिगत माप के अंतर को बच्चों, के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं, समझे, ठीक। क्या हुआ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं ना, ठीक। अच्छा वास्तविक मान तथा त्रुटिगत माप के अंतर को क्या बोलते हैं बच्चों, परम त्रुटि बोलते हैं। और जो जैसे हम लिखेंगे तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा, देखो जैसे मान लो तूने A1, A2, A3 ये सब क्या था, त्रुटिगत माप थे ना। अब हमने वास्तविक मान क्या निकाला बच्चों, AM निकाला है, फिर A बार निकाला है, तो बताओ ये ऐसे लिख देंगे, डेल्टा A लिख देंगे, डेल्टा A मतलब क्या, परम त्रुटि, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 ये सब क्या रहेंगे आपके, परम त्रुटि रहेंगे। कैसे निकालेंगे, A1 निकालेंगे लिए क्या करेंगे, जो वास्तविक मान है उसको उसमें से A1 को माइनस कर देंगे ना, तो वास्तविक मान AM लिखिए फिर A बार लिखिए, हम A बार लिख देते हैं, A बार माइनस में A1, एक पहला परम त्रुटि आ गया, दूसरा परम त्रुटि कितना जाएगा, A बार माइनस A2 ना बच्चों, और अप टू सो ऑन, डेल्टा AN बराबर कितना जाएगा बच्चों, A बार माइनस AN, ये सब क्या है, मॉड लेना, मॉड ना, ये सब क्या है बच्चों, परम त्रुटियां हैं, एब्सोल्यूट एरर हैं ना, एब्सोल्यूट एरर, ठीक, आई बात समझ में। अच्छा इसको ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हम क्या लिखते हैं, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि या फिर माध्यमान परम त्रुटि ना बच्चों, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे हो सकता है समझाते समझते में कितना तो टाइम हो जाए कि क्वेश्चन ना करा पाए आज ना, तो कल के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब समझाना है तो अच्छे से समझा ही देंगे ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा तो करा देंगे
देखो अच्छा, तो अब क्या करना है हम लोग बच्चों, माध्यमान परम त्रुटि निकालना है। माध्यमान परम त्रुटि, परम त्रुटि, या फिर बच्चों क्या, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि, या फिर बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी को ये बोलते हैं क्या, मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ना बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। अच्छा कैसे निकालेंगे इसको, हमको आया था ना हमारा डेल्टा, परम त्रुटियाँ क्या है, डेल्टा ए वन कामा डेल्टा ए टू कामा डेल्टा ए थ्री अप टू सो वन डेल्टा ए एन आया था हमारा परम त्रुटियाँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि परम त्रुटियों का या फिर निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य, ठीक, क्या लग दोगे, निरपेक्ष, इसे निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं, परम त्रुटियाँ हैं ना, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य, का माध्य, ठीक, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है ना बच्चों, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इतनी बात समझ आए बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख लेना भैया, लिख लेना क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अच्छा इतनी बात समझ आ गई, इसको डिनोट कर देते हैं, देखिए कैसे करते हैं, डेल्टा ए एम या फिर डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा ए एम और डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ए वन प्लस में डेल्टा ए टू प्लस में अप टू सो वन प्लस में डेल्टा ए एन, बटा कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों, एन ऑब्जर्वेशन है ना, ये आ गया तुम्हारा क्या, माध्यमान परम त्रुटि या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, आई बात समझ में, ठीक। अच्छा आप देखो तुमको निकालने क्या क्या आ गया, माध्यमान परम त्रुटि निकालने आ गया, ठीक, परम त्रुटि निकालने आ गया, अब तुमको क्या निकालना है, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है ना, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर ना, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में बढ़िया आएगा। वैसे देखो ये जो हिंदी में नाम लिखा है माध्यमान परम त्रुटि, परम त्रुटि कितना घटिया है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। अब क्या इंग्लिश में क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, ठीक, थोड़ा सा समझने में आसान है इंग्लिश वाला, इसलिए हम इसमें इंग्लिश का यूज भी कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ना। बच्चे किताब में देख के अपने से पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं, कभी कभी मन करता होगा पढ़ने के कि अपने से पढ़ लें, तो अपने से नहीं पढ़ पाओगे ना, बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है, इसलिए समझो, और ये क्वेश्चन करा देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और इस वाले लेक्चर को पूरा अंत तक देखना, ठीक है, अंत तक देखने के बाद जरूर सेटिस्फाई होगे और मेरा धन्यवाद कहोगे जरूर ना। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि ना बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, इसको समझो, बस ये वो सिंपल है, क्या बोलेंगे, बस इसे बोल दो, माध्यमान, माध्यमान परम त्रुटि, माध्यमान परम त्रुटि, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक, तथा मीन एब्सोल्यूट तथा, ठीक, वास्तविक मान, वास्तविक मान मतलब क्या बच्चों, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के अनुपात को, के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि
कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, रिलेटिव इरर्स कहते हैं। अब इसीलिए मैं यहाँ पे आपको छोड़ के रखा था ना कि ट्रू वैल्यू यहीं से बताएंगे ना। तो क्या बताओ, अभी अभी निकाले हो माध्यमान परम त्रुटि, क्या निकाले हो? अच्छा, सापेक्ष त्रुटि ऐसे लिख दो, रिलेटिव इरर बराबर, रिलेटिव इरर बराबर क्या बच्चों? माध्यमान परम त्रुटि क्या था? डेल्टा ए बार बटा के। डेल्टा ए बार निकालने के लिए बड़ी काम करना पड़ा है ना, वो प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, ठीक। अपान में क्या बच्चों? ए बार, ए बार, यही तुम्हारा हो गया क्या बच्चों? रिलेटिव इरर या फिर सापेक्ष त्रुटि ना, कितना आसानी से हो गया। अच्छा, इसके बाद एक आता है प्रतिशत त्रुटि ना, तो प्रतिशत त्रुटि को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये साइड में लिख दे रहे हैं हम। देखो, प्रतिशत त्रुटि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चा परसेंटेज इरर ना। ये होता क्या है, बस ये जो तुम्हारा रिलेटिव इरर है ना, रिलेटिव इरर में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव इरर में, रिलेटिव इरर क्या? सापेक्ष, हाँ सापेक्ष समझना, इनटू इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? परसेंटेज इरर आ जाएगा ना। मतलब क्या? डेल्टा ए बार अपान में ए इंटू 100। ठीक बच्चों ना। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, इसी पे हम 2-3 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए ना। ठीक, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हो गया तो हम इसे मिटा देते हैं और कल क्वेश्चंस कराएंगे। अब हम सोच रहे थे कि आज ही क्वेश्चंस करा दें, लेकिन बट ऐसा हो रहा है कि हमको लगता है हमको सार्थक अंक भी बताना पड़ेगा ना। इस चैप्टर में आपको सार्थक अंक भी पढ़ना है ना, तो सार्थक अंक और क्वेश्चंस सोच रहे हैं एक ही लेक्चर में समराइज कर दें ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं, जैसे कि मान लो त्रुटियों का अंतर कैसे होता है, त्रुटियों का गुणनफल कैसे होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें थोड़ा सा बताना है इसमें। ठीक, तो हम सोच रहे सार्थक अंक और ये दोनों चीज़ एक ही लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेके ख़त्म कर दिया जाए ना। तो आगे वाला लेक्चर एक हम बस एक ही लेक्चर लेंगे 40 मिनट का, और उसी में आपका सब ख़त्म हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और इसको मिटा देते हैं। चलिए।